बिहार के 38 जिलों में कुल मिलाकर 1500 करोड़ से अधिक की दवाएं एक्सपायर हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश के सभी 38 जिलों में 1000 करोड़ से अधिक की दवाएं एक्सपायर होने की जानकारी केंद्र सरकार द्वारा ड्रग एंड वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा में सामने आई। बता दें कि ड्रग एंड वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 541,52,75,000 की दवाएं सहरसा, 155,49,58,000 की दवाएं मधुबनी, तो पटना में 106 करोड़ से अधिक की दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं। 38 जिलों को जोड़ें तो यह आंकड़ा 1500 करोड़ के आसपास जाता है। वहीं DVDMS पोर्टल की समीक्षा रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के होश उड़ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि 2018 में सभी जिलों को पोर्टल के माध्यम से हर तिमाही के पहले 10 दिन में जरूरी दवाओं की ऑनलाइन मांग करनी होती है। इसी पोर्टल पर वितरण रिपोर्ट भी देनी होती है, लेकिन अधिकतर अस्पताल तो दूर जिला भंडारगृहों में भी या अपलोड नहीं किया जाता। ऐसे में समय बीतने पर पोर्टल ने सभी दवाओं को एक्सपायर दिखा दिया। आलम यह है कि पटना के श्री गोविंद सिंह सदर अस्पताल में ही इस बीच 4,45,00,000 से अधिक की दवाएं एक्सपायर दिखाई दे रही हैं, जबकि वहां के अधीक्षक ने इस बात को लेकर के रिपोर्ट भी भेजा। वहीं जिला भंडार गृहों, बता दें कि जिला भंडार गृहों और अस्पतालों के फार्मासिस्टों पर जब इतनी अधिक दवाएं एक्सपायर होने की जिम्मेदारी डाली गई तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद वो रजिस्टर खुले, जिसमें स्पष्ट हुआ कि दवाओं की खपत हो गई है लेकिन पोर्टल पर अपलोड नहीं करने के कारण इसे एक्सपायर दिखाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया कि दवा मांग, पर्ती, वितरण और तिथिवार दवाओं के आंकड़े पोर्टल पर सुनिश्चित किया करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।